मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी गोना सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत हो जाके ताने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो यार आज की वीडियो में जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि यार हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज, अभी का टाइम हो रहा है 11:30, मेरे को अप्रॉक्स 12 बजे तक पहुंच ही जाना है जैसे तैसे, बिकॉज लेट हो जाएगा काफी ज्यादा। तो हियर वी गो यार, हम लोग निकल चुके हैं अपने कॉलेज के लिए, एंड आई नो मैं सीट बेल्ट नहीं लगा अभी, बिकॉज अभी मैं हाईवे पे नहीं हूँ। तो फिर चलो अभी निकल चुके हैं हम लोग, एंड मेरा कॉलेज यहाँ से अप्रॉक्स 7 किलोमीटर्स है, 7.5 ऐसे टाइप का। सो चलो अब हम लोग चलते हैं। यार गाइस अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था उस टाइम, मैं ड्राइव कर रहा था, तो अपने साथ हुआ ये कि अभी जो मेरी पुरानी व्लॉग्स देखता है उसको चंदनडी का लोकेशन पता होगा, और जिस तो उसके लिए यार अभी मैं जस्ट चंदनडी के पास था एंड वहां पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी तो आदत है खैर ड्राइव करते टाइम सीट बेल्ट वगैरह लगा के ड्राइव करने की, तो वो मुझे रोका अभी कि ऐसे हाथ दिखाया, तो भाई मेरे पास तो अब सब है भाई लाइसेंस और कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं रुक गया। तो वो ऐसे रोका तो मैं अपना मिरर डाउन किया, तो वो देखा कि भाई मैं अपना सीट बेल्ट वगैरह लगाया हूँ, तो बोलता है जाओ जाओ भैया जाओ। तो यार बहुत दिन आने के बाद यही होता है कि तुमको कॉलेज का रास्ता भी याद नहीं रहता है, एंड थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स वगैरह रूमटा के देख के, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ रूमटा कॉलेज। देख लो तुम लोग को, यहाँ पे एक कार से जाओगे तो यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा, ये देख लो तुम लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, और इसी रोड से तुमको अंदर जाना है। थोड़ा सा ऐसा विश्वास नहीं होगा कि कहाँ पे से हम लोग जा रहे हैं, बट हाँ ये यही है भाई रूमटा का रोड, विच इज थोड़ा सा बकवास। तो अब बस पार्किंग में हम लोग बस छंद सी देरी में पहुंच जाने वाले हैं, और देखते हैं यार आज क्या क्या होने वाला है अपने कॉलेज में। ये तो मेरे को लग रहा है, डाउट है कि डांट खा सकता हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गया कॉलेज नहीं गए भाई, कोई भी डांटेगा ही 5-6 महीने से लाइक लापता टाइप का, एक सेमेस्टर ही पूरा सेकेंड सेमेस्टर ही हम लोग लापता में निकाल दिए गाइस क्या। सो यार अपना ऑडिटोरियम जो कि है अभी एकदम रेडी वगैरह हो रहा है, अपने क्लास के लोग रेडी कर रहे हैं ऑडिटोरियम को, और एक तो मैं यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है अभी, क्या है कि बलून्स वगैरह डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, जैसे कि तुम लोगों को दिखाता हूँ सामने की तरफ, देख लो सामने की तरफ अगर देखोगे तो डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, और जो कि हम लोग की क्लास वाले कर रहे हैं, जो कि सेकंड सेम वाले हैं, हम लोग अभी सेकंड सेम वाले पूरा डेकोरेशन एंड ऑल कर रहे हैं। यार तुम्हारा भाई अभी सारा सेटअप संभाल रहा है कैमरा वगैरह का, एंड अभी टेस्टिंग वगैरह हो रहा है, अब बहुत जल्द अपने प्रिंसिपल सर आने वाले हैं और अपने सारे टीचर्स आ चुके हैं, और मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, देख सकते हो सारे टीचर्स आ चुके हैं, तुम्हारा भाई यहाँ से पूरा वो करेगा रिकॉर्डिंग वगैरह, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्जित करता हूँ, और कामना यही है कि जिनके संदर्भ में आज इंजीनियर्स डे आप मना रहे हैं वो आपके बेनर स्वच्छ बने। सर पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज हम 55वां इंजीनियर्स डे मनाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई 1967 से। प्रॉब्ली द नेक्स्ट डे सम प्लम्बर विल कम एंड दे विल पुट द सीवेज लाइन, देयर वाज नो इंटीग्रेशन बिटवीन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट सीम्स दैट प्रॉब्ली लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, बूम रोस्टेड। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। निकल लो। अरे मैया, गोगा देख लियो। मीरा की जैसी बुलाती नहीं।
बहुत इंटेंस मोमेंट चल रहा है गाइस, बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट। हाँ ये कर लो पहले, ये तो सीरियल वाला मूव बना रही है मेगा। कोई नहीं, मेरा हाथ जोड़ दूँ मैं तो। मेगा कंप्यूटर ऐसा होता क्या है कि अगर आप किसी के सिस्टम में विदाउट उसकी परमिशन एंटर करते हैं, उसके एक्सेस लेते हैं, उसे को हैकिंग कहते हैं। यानी सिंपल अगर कहें कि जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में एक चोर होता है। ये मैंने छोटा सा क्लिप ऐड किया था ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि जो फिल्मों में हैकिंग दिखाया जाता है वो कुछ इसी प्रकार से दिखाया जाता है कि इस तरह से हैकिंग होता है। ये बहुत कूल लगता है देखने में, पर रियलिटी वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम जो हैकिंग हो रहे होते क्यों है। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out. Thank you.
धीरे बात करूँ क्योंकि मैं सबसे पीछे वाली रो में बैठा हूँ और पीछे से आवाज़ थोड़ी बहुत गूंजती है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोला। सो यार तुम लोगों को डांस कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ज़रूर बताना, क्योंकि जो लोग डांस किए हैं वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं और उन लोगों को अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि उन लोगों का डांस कैसा रहा। ज़रूर अप्रिशिएट करना यार, इतने बड़े स्टेज में जाके डांस करना, बोलना कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है चीज़ें, और स्टेज फियर नहीं होना चाहिए लोगों को, तभी ये सब कर सकते हैं। तो कुणाल केक मार रहा है धीरे से, कुणाल केक मार रहा है। अरे भाई 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 रुक जा इंसान की तरह। पीयूष हैकिंग के बारे में कुछ और सिखाना चाहोगे? नहीं भाई हो गया भाई केक हैक हो गया। पहले केक खा ली, सब लोगों का एडजस्टमेंट की बात चल रही है गाइस, देख लो ये बात बहुत गलत चीज है, बाकी लोगों को तो नहीं मिला। सो चलो चलते हैं यार, हो गया फोटोज वोटो सबका। भाई आईफोन और कैमरा होने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि बस तुम फोटो एंड एक टाइम के बाद इंसान फोटो खींचते खींचते भी ना समझ सकते हो यार। पर आई स्वेयर यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, अगर मैं नहीं आता ना कॉलेज तो मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता।